स्टॉक में जो कि अभी तक एक ब्रॉडली अंडर परफॉर्मर था, बट इस सीरीज में हो सकता है कि इसमें टर्न अराउंड आए, क्योंकि काफी नेगेटिव न्यूज के बावजूद इस स्टॉक ने अपने ग्राउंड को होल्ड किया। और मैं बात कर रहा हूँ केमिकल स्टॉक की, टाटा केमिकल की, जिसमें 1020 के ऊपर आज एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये ब्रेकआउट इस स्टॉक में अगर आज सस्टेन करता है तो 3 से 5% का मूव इंट्राडे में ही आने का पोटेंशियल है इस स्टॉक में। तो टाटा केमिकल्स में खरीदारी करके चलेंगे। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 1022 1023 के लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1010 का। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 1050, दूसरा टारगेट 1070 का। अनिल जी, कम से कम 8 से 10 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद और काफी नेगेटिव न्यूज फ्लो के बावजूद इस स्टॉक ने सपोर्ट को होल्ड किया और आज अपसाइड में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। केमिकल स्टॉक ने ब्रॉडली अभी तक अंडर परफॉर्म किया है इस पूरी रैली में। हो सकता है यहाँ से इस सेक्टर में और इस स्टॉक में अच्छी मूव बनते हुए नजर आए।